पहले आप इस वीडियो को देखिए। इन बेजुबानों का आखिर क्या कसूर है कि उन्हें इस तरह से बांध कर रखा गया है। जिस देश में गायों को भगवान की तरह पूजा जाता है, उनका यह हाल देखकर मन कुंठित हो जाता है। यह वीडियो सामने आया तो इसका पता लगा, मगर सोचिए ऐसे और कितने गोवंश होंगे जिन्हें इस तरह प्रताड़ित किया जाता होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। झारखंड में आए दिन गौ तस्करी का मामला सामने आता रहता है। पुलिस और प्रशासन दावा तो करती है कि वे इसे रोकने के लिए कार्रवाई कर रही हैं, मगर गौ तस्करी का मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा है। ताजा मामला धनबाद का है, जहां एक डाक पार्सल के ट्रक में भरकर गौ तस्करी की जा रही थी। देखिए धनबाद से हमारे सहयोगी सांभवी की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं नेशनल हाईवे पर। आपको बता दें कि यहां पर प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसी नेशनल हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है पशुओं की तस्करी करने में, कोयले की तस्करी करने में। ताज़ा मामला जानकर आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि एक कंटेनर में, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में डाक पार्सल लिखा हुआ था, ऐसे कंटेनर का इस्तेमाल किया गया और इसमें करीब 40 से ज़्यादा की संख्या में गौ वंशों को रखा गया था और बहुत ही अमर्यादित तरीके से रखा गया था सभी को। और आपको बता दें कि गौ रक्षा दल को इस बारे में सूचना मिली थी, इस बारे में बरवाडा थाना को भी बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी थाना के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की गई। लेकिन गौ रक्षा दल की पूरी टीम यहां पर मौके पर मौजूद रही और शक होने के बाद कंटेनर को रुकवाने का प्रयास किया गया और काफ़ी दूर तक कंटेनर गए और फिर उसे वहां पर पकड़ लिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जीटी रोड, जहां पर कई अलग अलग जगहों पर जाँच होती है, उस जीटी रोड पर इस तरह की बातें कैसे सामने आ रही हैं। देख सकते हैं कि यही वो कंटेनर है जिसमें करीब 40 से ज़्यादा गौ वंशों को ठूस ठूस कर इससे हाईवे से पार कराया जा रहा था, जब गौ रक्षा दल को इस बारे में सूचना मिली और तड़के सुबह उन लोगों ने हाईवे पे पहुंचकर जितनी गाड़ियां जा रही थी उसे लेकर वो लगातार जांच कर रहे थे और फाइनली उन्हें इस गाड़ी पर शक हुआ, जिसके बाद इसे रुकवाने का प्रयास किया गया और अंत में जब इस कंटेनर का गेट खुला तो सभी के सभी देखकर दंग रह गए थे कि किस प्रकार से एक कंटेनर में करीब 40-42 गौवंशों को पकड़ कर यहां से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। ये जानकारी के हिसाब से ये कहा जाता है कि झारखंड से इन सभी को बंगाल पहुँचाया जाता है और उसके बाद वहाँ से इन सभी को इसी तरीके से तस्करी करके बांग्लादेश पहुंचाया जाता है और ये पूरा एक सिंडिकेट है। ये बातें भी सामने आ रही हैं कि जीटी रोड में जिस प्रकार से लगातार कोयले की तस्करी और साथ ही साथ पशुओं की तस्करी हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं सभी थाने जो है वो भी संलिप्त है और यही वजह है कि इस तरह से खुलेआम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ अंकुश लगता है और क्या इस तरह से जो गौ तस्करी हो रही है या फिर पशु तस्करी हो रही है, क्या उस पर विराम लग पाता है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों की ओर से ही गौ तस्करी को रोकने के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं, मगर इससे तस्करों को कोई डर नहीं है। हाल ही में जानवरों की स्मगलिंग करने वाले ट्रक ने एक महिला कांस्टेबल को कुचल डाला था। मामला रांची के टुपुदाना का था। इस हादसे में महिला कांस्टेबल संध्या टोपनो की जान चली गई थी। उन्होंने तो बस चेकिंग के लिए ट्रक को रोकने के लिए हाथ दिया था। बाद में पुलिस ने उस ट्रक के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया था। उस ट्रक से भी ऐसे ही ढेर सारे मवेशी बरामद किए गए थे। इसे समझा जा सकता है कि राज्य में गौ तस्करी कैसे खुलेआम हो रही है और अपराधियों में पुलिस और प्रशासन का कोई डर नहीं है। धनबाद का ये ताज़ा मामला भी ठीक इसी ओर इशारा कर रहा है। सरकार और प्रशासन को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।